Hello and welcome. This is the second part of the chapter Era of One Party Dominance. Now, on the first part, many of you have commented that the chapter is deleted as per the updated syllabus. And actually, the chapter is not deleted, it is merged with the fifth chapter, that is chapter 5. So, even then, I am uploading this chapter. So, uske do reasons hain. पहला तो ये कि जो सिलेबस अपडेट हुआ था उसमें इस चैप्टर को फिफ्थ चैप्टर के साथ मर्ज किया गया था, ये बात सही है। बट अभी जो एनसीईआरटी ने एक अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर अपलोड किया था करीब 15 दिन पहले, तो इस अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर में जो आया था आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसमें सेकेंड बुक के 4 चैप्टर दिए हुए थे पढ़ाने के लिए। So this chapter was also there. Okay, so if you want to see the alternative academic calendar on the net, I'll put the link in the comment section. You can see it over there also. कि जो NCERT ने academic calendar, alternate academic calendar upload किया है, 1 month का उन्होंने upload किया है, जिसमें कि 4 chapters second book के आपके first, second and third, fourth chapter पढ़ाने के लिए दिए हैं। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, लेकिन उस कन्फ्यूजन में आप लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए बेटर यही होगा कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ लें। दूसरा रीज़न इसका ये है कि जो इसको फिफ्थ चैप्टर के साथ जो मर्ज भी किया गया है, वहाँ पे जो पहला आपका सब टॉपिक है वो है कांग्रेस सिस्टम। ओके, एंड कांग्रेस सिस्टम इज नथिंग बट द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस टिल 1967। सो अदरवाइज ऑल्सो यू हैड टू रीड दिस एंटायर कंटेंट। ओके, तो यही रीज़न है, दो रीज़न जिनकी वजह से मैंने सोचा कि अच्छा यही होगा कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ लें और एक कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। सो लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। इन द फर्स्ट पार्ट यू ऑल हैव डन टिल द इलेक्शन, दैट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, हाउ इट वॉज कंडक्टेड। नाउ इन दिस पार्ट वील डिस्कस द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट 3 इलेक्शंस इन इंडिया and see that how Congress dominated, what was the extent of Congress dominance। ठीक है, तो जो पहला इलेक्शन हुआ आपको पता है कि वो फेबररी 1952 तक हुआ। तो फेबररी 1952 में रिजल्ट आया था फर्स्ट इलेक्शंस का, और हमारी फर्स्ट लोकसभा और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर्म हुई थी। ओके, सो इन द फर्स्ट इलेक्शन कांग्रेस वन 364 आउट ऑफ 489 सीट्स। नाउ दिस इज ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा। फाइन, अगर आप मेन ऑपोजिशन पार्टी देखने जाइए तो मेन ऑपोजिशन पार्टी उस इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनकर आई थी, जिसको केवल 16 सीट्स मिली थी। ओके, नाउ इफ यू कंपेयर 364 सीट्स With 16 seats, it is nothing in front of Congress. तो कांग्रेस जहाँ 3/4 सीट लेके जीतती है, वहीं पे जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा की, वो केवल 16 सीट पाती है। इसको अगर आप इस इलेक्शन मैप में भी देखिए, ये मैप आपकी बुक का ही है, बुक से लिया हुआ है। इस मैप में द रिजल्ट्स ऑफ द थ्री इलेक्शंस, द फर्स्ट थ्री इलेक्शंस कंपेयर्ड, तो पहला इलेक्शन का रिजल्ट ये है, सेकेंड जनरल इलेक्शन का रिजल्ट ये है, थर्ड जनरल इलेक्शन का रिजल्ट ये है। पहला जो आपका लोकसभा फॉर्म हुई वो हुई 1952 में, तो 5 साल ले लीजिए, 5 साल होता है लोकसभा का पीरियड। तो 1952 से 1957 तक फर्स्ट लोकसभा है, देन 1957 से 1962 तक सेकेंड लोकसभा है, एंड देन 1962 से 1967 तक। यही तीन रिजल्ट्स जो हैं वो आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इस मैप में। ओके, तो ये तीन फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट हैं। इसमें अगर आप देखिए तो कांग्रेस को तीनों इलेक्शंस में करीब करीब 3/4 मेजॉरिटी मिलती है, 3/4 ऑफ द सीट्स ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा। अब अगर हम सेकेंड नंबर की पार्टी देखें तो यहाँ पे आप देखें, ये है IND लिखा हुआ है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट, तो दिस इज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। फाइन, थर्ड नंबर की पार्टी अगर आप देखें तो ये है CPI, ये। ओके, और ये CPI पाती है 16 सीट्स। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस एक्सेस पे, ये सारे पार्टीज के नाम है एब्रिवेशन में लिखे हुए, और इन एब्रिवेशन का फुल फॉर्म है ये।
ओके तो जब आप ये मैप रीड करिए बुक से तो इस तरह से करिए, ये तीनों लोकसभा के रिजल्ट्स हैं, ये पार्टीज के नाम है, एब्रिवेशन, एब्रिवेशन का फुल फॉर्म जो पूरा पार्टी का नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है. फाइन, सो इफ यू एनालाइज द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट थ्री लोकसभा यू कैन क्लियरली सी दैट हाउ मच कांग्रेस इज डोमिनेटिंग इन ऑल थ्री इलेक्शंस. इट इज विनिंग ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सीट्स विद द अपोजिशन पार्टीज. अगर इनकी कंबाइंड टैली भी देख लीजिए सारी अपोजिशन पार्टीज की, तो भी वो कांग्रेस के सामने कुछ नहीं है. ओके, सच वॉज द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस. नाउ फ्रॉम दिस मैप वन मोर थिंग इज क्लियर, दैट द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस वॉज नॉट ओनली इन लोकसभा. ये जो रिजल्ट हैं ये आपके हैं लोकसभा के, ओके, पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है. तो ये रिजल्ट है लोकसभा के. अगर आप स्टेट्स में देखिए तो ऑल द येलो एरियाज हियर शो द स्टेट्स वेयर कांग्रेस फॉर्म्ड मिनिस्ट्री. ठीक है, तो जितने भी स्टेट्स हैं सब में कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाई थी, एक्सेप्ट दो स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे इस बीच में कुछ समय के लिए नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी. उनमें से पहला है केरला, जहां पे लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट, सीपीआई की गवर्नमेंट आई थी, और दूसरा है जम्मू कश्मीर, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी फॉर सम टाइम. अदरवाइज इन दिस पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, दिस इज अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 30 ईयर्स. अब 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, लेकिन 1947 से एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी जिसमें कांग्रेस ही डोमिनेट कर रही थी. सो अगर आप यहाँ से सीधे सीधे लीजिए 1947 to 67, ये पीरियड होता है 30 ईयर्स का पीरियड. दैट इज वाई वी से दैट फॉर 3 decades कांग्रेस डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. ओके, तो एनालाइज जब आप करेंगे रिजल्ट को तो इस तरह करेंगे कि ये है आपका फर्स्ट थ्री जो इलेक्शंस थे उनके रिजल्ट का एनालिसिस. ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, अ पेयर ऑफ ऑक्सन, दिस वॉज द सिंबल ऑफ कांग्रेस एंड इट हैज बीन आस्क्ड एज अ वन मार्कर दैट वॉट वॉज द सिंबल ऑफ कांग्रेस इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया. सो दिस वॉज द सिंबल ऑफ कांग्रेस, द पेयर ऑफ ऑक्सन. ठीक है, इसको कई बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने इसको गलत ही लिखा था, उन्होंने वही पाम या राइट हैंड पाम कर दिया था. तो ये है कांग्रेस का सिंबल, ये था. फाइन, सो इन द स्टेट इलेक्शंस आल्सो कांग्रेस वन इन द स्टेट्स एज वेल. 3 स्टेट्स में कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, उसमें पहला था ट्रावनकोर कोचीन जो कि आप केरला है, प्रेजेंट डे केरला, दूसरा था मद्रास और तीसरा था उड़ीसा. लेकिन इन तीनों स्टेट्स में भी फर्स्ट इलेक्शन में इन 1952 कांग्रेस हैड फॉर्म द गवर्नमेंट. ओके, तो 1952 में कांग्रेस वॉज रूलिंग नॉट ओनली इन द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स. फाइन, इन द नेक्स्ट टू इलेक्शंस, द सेकेंड इलेक्शन हेल्ड इन 1957 एंड द थर्ड इलेक्शन हेल्ड इन 1962, कांग्रेस मेंटेन्ड इट्स पोजिशन. कांग्रेस वन ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सीट्स. फाइन, ओके. नाउ इन द असेंबली इलेक्शंस, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि इस मैप को अगर आप देखें तो 2 स्टेट्स में, एक केरल में और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर में, उस समय के लिए नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी. इसमें से जो केरल का केस है वो आपके बुक में एक ब्लू पेज है, उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, उस पेज को मिस मत करिएगा. देखिए ये पेज है, वो कांग्रेस विक्ट्री इन केरला. ओके, यहाँ पे एक मेजर चीज हुई थी इन द 1957 असेंबली इलेक्शंस. तो जो केरल की विधानसभा के इलेक्शंस थे, विधानसभा में टोटल सीट्स थी 126. ओके, इसमें से 60 सीट्स सीपीआई ने जीत ली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने. ओके, सो द कम्युनिस्ट पार्टी वन 60 out of 120 seats इन 1957. और इसके मतलब अगर ये भी अभी भी मेजॉरिटी नहीं हुई तो इसके साथ कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ गए थे. ओके, सो दिस 60 plus few independents फॉर्म द मेजॉरिटी. तो 57 में पहली बार किसी स्टेट में कांग्रेस डिसाइसिवली डिफीट हुई थी, और यहाँ पे फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी और चीफ मिनिस्टर बने थे ईएमएस नंबूदरी पद.
Now this was the first democratically elected communist government anywhere in the world. This line is very important. It is has been asked many a times as worth marker that which was the first democratically elected communist government anywhere in the world. Kyun isko democratically elected kiya kaha ja raha hai? Because it was elected in a multi-party election under universal adult franchise. Okay, so it was the first democratically elected communist government anywhere in the world. Elsewhere, जहाँ भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रूल कर रही हैं वो ऐसी जगहों पे रूल कर रही हैं जहाँ पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अलाउ ही नहीं है, केवल वन सिंगल पार्टी जो है वो इलेक्शन में जाती है और वो जीत के आ जाती है. ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन मार्कर के लिए पूछा जाता है. उसके बाद ये 57 में ये गवर्नमेंट चुनकर आई थी, लेकिन इसके तुरंत ही बाद वहाँ पर कांग्रेस ने एक मूवमेंट शुरू कर दिया था. इस मूवमेंट के चलते वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, और उसका हवाला देते हुए इन 1959 दिस गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड by the central government using article 356. I hope you all remember what is article 356. Emergency provisions aapne padhe hain, usme jo second type of emergency hai that can be imposed in a state in case of the failure of constitutional machinery. Okay, to central government ne kaha ki jo Kerala state hai wahan pe constitutional machinery fail ho gayi hai, wahan ki government us state ke law and order ko dekhne mein सक्षम नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम आर्टिकल 356 इम्पोज कर रहे हैं, इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी लगा रहे हैं, और वहाँ का जो शासन है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी. ऐसा ही होता है आर्टिकल 356 के केस में. सो दिस वाज द फर्स्ट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356. द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकेम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, इट वाज वेरी मच क्रिटिसाइज एंड टिल डेट इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मिसयूज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अगर आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐसे देखिए जो कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, तो उसमें सबसे जो बड़े केसेस आते हैं उनमें ये है आर्टिकल 356. एक आर्टिकल 370 था जो कि रिपील किया जा चुका है, और तीसरा दूसरा जो ये था ये आर्टिकल 356 है जो अभी भी है, और ये स्टेट्स में इमरजेंसी लगाने का अधिकार देता है प्रेसिडेंट को. ओके, तो इसको यूज करते हुए 1959 में केरला की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था. फाइन, सो दिस इज इसीलिए 57 से 59 तक, इसीलिए आप उस मैप में उसको रेड देख रहे हैं, क्योंकि 57 से 59 तक यहाँ पे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी. ठीक है, अब चलते हैं नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. आपने देख लिया कि तीन डिकेट्स तक, तीन इलेक्शंस तक, तीन लोकसभाओं में कांग्रेस इज डोमिनेटिंग विद एटलीस्ट 3/4 ऑफ मेजॉरिटी. सो व्हाट वाज द नेचर ऑफ दिस कांग्रेस डोमिनेंस? ओके, दिस कांग्रेस डोमिनेंस वाज वेरी डेमोक्रेटिक इन नेचर एंड इट वाज डिफरेंट फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस एल्सवेयर इन द वर्ल्ड. इट इज आस्क्ड एज फोर मार्कर. How was the Congress dominance different from the dominance of one party elsewhere in the world? The yay line in a form of question. Okay, so there are many countries where single party is ruling. ठीक है, लेकिन ये जो single party rule है वो जो different countries में है वो democratic conditions में नहीं है. ठीक है, for instance if you look China, चाइना इज अ सिंगल पार्टी सिस्टम. क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो थे, डिक्टेटर थे. सीरिया में बाथ पार्टी थी, BAATH बाथ पार्टी थी. अब तो वहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है. तो अगर केवल वन पार्टी को ही अलाउ किया जा रहा है किसी कंट्री में इलेक्शन में और एग्जिस्टेंस दूसरी पार्टीज के अलाउ नहीं है, देन इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट दैट पार्टी ओनली इज गोइंग टू डोमिनेट इन दैट कंट्री. ओके, ऑन दी अदर हैंड देयर आर अदर कंट्रीज लाइक म्यांमार है, बेलारूस है, इजिप्ट है, इरिट्रिया है. हियर द डेमोक्रेटिक मतलब डिफरेंट पार्टीज एग्जिस्ट, बट देन बिकॉज ऑफ मिलिट्री रीजंस इधर मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है, या फिर दैट पार्टी स्टार्ट्स अडॉप्टिंग, या फिर जो जो रूलर हैं जो चुन कर आते हैं दे कीप द कॉन्स्टिट्यूशन असाइड
और दे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर देयर इंटरेस्ट, और इस तरह से वो अपने रूल को प्रोलोंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेक्सिको का एक केस आपके ब्लू बॉक्स में वहाँ दिया हुआ है, और जब भी आप ये आंसर लिखिए तो मेक्सिको को मेंशन करना मत भूलिएगा। ओके, नाउ मेक्सिको PRI द इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, अब ये रिवर्स जा रहा है एब्रीवेशन, अगर आप इसको बस सिंपली इस तरह से याद कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी डोमिनेटेड फॉर ऑलमोस्ट 6 decades। PRI जो जो मेक्सिको था वहाँ पे स्पैनिश रूल था, और जब स्पैनिश छोड़ कर गए और वो कंट्री फ्री हुआ तो ये जो PRI थी, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस ने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, वहाँ पे PRI ने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट द स्पैनिश रूल। तो इसका एडवांटेज PRI को मिला और वो इलेक्शंस में जीती। पर इलेक्ट होने के बाद PRI स्टार्टेड डोमिनेटिंग द पॉलिटिक्स बाई अडॉप्टिंग अनडेमोक्रेटिक मीन्स, जैसे कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई, इलेक्शंस में उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ, लास्ट टाइम पे पोलिंग बूथ चेंज कर दिए गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को प्रेशराइज किया गया टू वर्क फॉर PRI, टू वोट फॉर PRI, टू प्रेशराइज पीपल टू वोट फॉर PRI, इवन स्कूल टीचर्स तक को प्रेशराइज किया गया कि वो PRI को वोट करें और पेरेंट्स को और बच्चों को इन्फ्लुएंस करें टू वर्क इन फेवर ऑफ PRI। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई। 6 decades तक ऐसा चला, पर 2000 तक आते आते फिर ये चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो गई। अब अगर इन सारी कंट्रीज को आप देखिए तो उसके कंट्रास्ट में जो कांग्रेस डोमिनेंस है दैट वॉज वेरी डेमोक्रेटिक इन नेचर। ओके, कांग्रेस स्टूड इन अ मल्टी पार्टी इलेक्शंस एंड द इलेक्शंस वर लार्जली फ्री एंड फेयर। ओके, तो जो कांग्रेस का डोमिनेंस हम देखते हैं वो एक डेमोक्रेटिक डोमिनेंस है, वो लोगों ने कांग्रेस के लिए वोट किया अपनी विल से, ठीक है, वो कांग्रेस में ही अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल होता हुआ देखते थे। And that is why people voted for Congress for such a long time. Okay, so the nature of Congress dominance is quite different from the dominance of one party elsewhere in the world. Fine. अब nature different है, democratic है, लोगों ने Congress के लिए vote किया अपने wish से, पर क्यों? Why? Why they chose only Congress? There were other parties also. You have seen that it was a multi-party election जिसमें बहुत सारी पार्टियां ऐसी, choices लोगों के पास बहुत थी, लेकिन फिर भी लोग अपनी मर्जी से सिर्फ कांग्रेस को वोट करके आते थे। Why? What were the reasons? So for that part I will be taking up in the next video, the causes of Congress dominance. So that is a very important 6 marker from the chapter. The causes of Congress dominance or the causes of Congress system, इसी dominance को ही Congress system कहते हैं। जो 3 decades तक का Congress dominance है इसी को हम Congress system मानते हैं। Okay, so that I will be taking up the causes, the reasons for that in the next video. Fine. So keep reading the chapter and keep making your answers. Any query, I liked when you all started asking me queries and questions, and that way it keeps me also awake. So thank you for doing that. Keep reading, keep studying, and keep asking questions, giving me your feedbacks and comments. Thank you so much for watching. Bye bye.